अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर का नाम है व्रत एवं स्पर्श रेखा। इससे पहले अपन ने व्रत चैप्टर पढ़ा था, अब व्रत के साथ साथ में अपने को स्पर्श रेखाओं के बारे में भी पढ़ना है। तो इस वाले चैप्टर में देखिएगा भाई स्पर्श रेखा क्या होती है। व्रत के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, अब बात करते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो यहाँ अपन टोटल 2 रेखाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है स्पर्श रेखा और दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, छेदन रेखा। आपको 2 रेखाओं के बारे में पढ़ना है, एक होती है स्पर्श रेखा और दूसरी होती है छेदन रेखा। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ये दोनों रेखाएं होती क्या है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रेखा जो क्या करती है, स्पर्श करती है। सिर्फ स्पर्श करती है मतलब सिर्फ टच करती है किसको, जैसे आपने एक व्रत बनाया। देखो भी व्रत को कोई रेखा क्या करके जा रही है, सिर्फ टच करके जा रही है। अपने रचना वाला जब चैप्टर किया था तो उसमें स्पर्श रेखा बनाना भी सीखा था। देखिए जैसे कोई रेखा ऐसी है जो इसको व्रत को क्या कर रही है, एक बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसके बाद देखो अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि स्पर्श कितने बिंदुओं पर करेगी। सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी वो वाला बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा मतलब ऐसी रेखा जो किसी व्रत को एक बिंदु पर क्या करते हुए गुजरती है, स्पर्श करते हुए गुजरती है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी वो बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसके बाद में दूसरा देखो भी छेदन रेखा। छेदन रेखा भी नाम से ही पता चल रहा है कि छेद करने वाली रेखा, मतलब ऐसी रेखा जो क्या करेगी भी व्रत के एक साइड से यहां से निकलेगी और दूसरी साइड से मतलब बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यानी ऐसी रेखा जो व्रत को काटते हुए गुजरती है, व्रत के छेद करते हुए गुजरती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, छेदन रेखा कहेंगे। और आप देखो भाई यहाँ तो ये बिंदु व्रत को, ये वाली रेखा व्रत को एक बार स्पर्श कर रही थी, यानी एक बार व्रत के टच हुई थी, ये कितनी बार टच हुई है आपके, 2 बार। और वो भी अगर कहें तो ये टच नहीं हुई है, व्रत को क्या कर रही है, काट रही है, छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि छेदन रेखा व्रत को कितनी बार मिलती है, तो 2 बार, और स्पर्श रेखा व्रत को कितनी बार मिलती है, 1 बार। अब अपने सिलेबस में अपने को छेदन रेखा के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि छेदन रेखा होती कैसी है और कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। लेकिन अब मेन अपने को पढ़ना है स्पर्श रेखा के बारे में। तो देखिएगा दो तो आपको मैं अब इनकी परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं, अपने को पता है कि ऐसी रेखा जो एक बिंदु पर आपने सिर्फ स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा, और जो 2 बिंदुओं पर काटते हुए गुजरती है वो क्या कहलाती है, छेदन रेखा। अब आप देखिएगा, अब आपको कोई प्रमेय बतानी है, जैसे कि देखिएगा सबसे पहली प्रमेय, एक प्रमेय है, देखिए पहली प्रमेय क्या है इस स्पर्श रेखा के बारे में, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक व्रत है, कोई भी एक व्रत है, और व्रत को स्पर्श करते हुए एक क्या अपन ने खींची, स्पर्श रेखा खींची। अब देखिए मां, अब देखो ये कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रही है, अपन ने जैसे बिंदु कौन सा ले लिया, पी बिंदु ले लिया। और देखो भी व्रत के यहाँ बीच में क्या होता है, यहाँ पर एकदम केंद्र होता है। अब आपको पता है कि ये वाला ओ तो है केंद्र बिंदु और पी कहाँ पर है, अपने परिधि पर। तो यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो अपने को जो रेखा मिलेगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। कभी भी केंद्र को परिधि से मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। देखो ये जो P बिंदु है वो परिधि पर भी है, और वैसे ये किसका काम कर रहा है, स्पर्श बिंदु का काम कर रहा है। ये कौन से बिंदु का काम कर रहा है, स्पर्श बिंदु का। यानी अगर आप O को यानी केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी, क्या मिलेगी। और वो त्रिज्या हमेशा इस स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आपको इस लाइन को कैसे लिखना है, देखिएगा, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य या फिर इसको लिखिएगा किसी भी व्रत की स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या लंबवत होती है। देखिए यहां क्या लिखा है
कि कोई भी स्पर्श रेखा है उसके ऊपर त्रिज्या कैसे होगी लंबवत, और लंबवत का मतलब कोण कितनी डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यह आपके पहली स्पर्श, पहली आपके प्रमेय हो गई। इसके बाद में देखो अभी दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरी आपके प्रमेय चाहे कही देखो दूसरी प्रमेय क्या होती है। वैसे दूसरी प्रमेय अपने को इसकी उल्टी पढ़नी है। देखो कोई भी अगर एक रेखा आपने केंद्र से ऐसी खींची है जो कितने डिग्री पर आपने खींची है, 90 डिग्री पर, तो वो क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा सॉरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको याद नहीं रखना है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो दूसरी और एक प्रमेय, जैसे कि दूसरी एक प्रमेय है या इसको बिंदु की बात की करें, देखो आपको एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु पी है, वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु पी है, आप अगर यहाँ बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो आप कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हो, यानी इस बिंदु से आपको ऐसी रेखा खींचनी है जो वृत्त को क्या करते हुए गुजरे, सिर्फ स्पर्श करते हुए गुजरे। तो आपने एक रेखा ये वाली बनाई और एक दूसरी रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो आपने यहां देखा कि अगर बाहर कोई भी एक बिंदु दे रखा है तो उस एक बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। अगर आप दो से ज्यादा अगर बनाने जाओगे तो या तो वो रेखा इसके ऊपर की ओर आएगी या नीचे की ओर आएगी, और जब नीचे की ओर आएगी तो वो कौन सी रेखा बन जाएगी, छेदन रेखा। यानी अपने को अगर कोई बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है और उससे अगर आपको स्पर्श रेखा खींचने को बोले तो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी, दो। तो आपके दूसरी जो प्रमेय है उसको आप लिख सकते हो, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इन सभी बिंदुओं को आपको भी लिखते रहना है, ठीक है। चलिए ये दूसरी की बात की, अब एक तीसरी और एक प्रमेय है। पहले आप तीसरी प्रमेय को भी आप देख लीजिए, तीसरी प्रमेय क्या होती है। तीसरी में देखो आपने यहां देखा कि भाई यहां पी बिंदु से आपने कितनी प्रमेय बना सकते हो, दो। ये जो दो प्रमेय होती है, अब तीसरी प्रमेय ये कहती है कि ये जो दो प्रमेय सॉरी दो स्पर्श रेखाएं बनाई है, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और लंबाई कहां से कहां तक लेनी, देखो इस बिंदु P से यहां तीर तक लेनी है या कौन से बिंदु तक लेनी है, तो लंबाई हमेशा इस वाले बिंदु से कौन से बिंदु तक ली जाती है, ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो किसी भी बिंदु से जहां से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो वहां से लेकर स्पर्श रेखा तक जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हमेशा दोनों लंबाइयां क्या होती है, समान। तो ये आपके कौन सी प्रमेय हो जाएगी, तीसरी प्रमेय। अब फटाफट आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अपन प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक। इसका अगर अपन चित्र बनाने जाएं तो ये वाला चित्र बनेगा, ठीक है। देखिएगा भाई यहां बाह्य बिंदु जैसे P है, वहां से आपने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची और दूसरी आपने स्पर्श रेखा ऐसे खींची। दोनों के लिए सबसे पहले पता करना स्पर्श बिंदु कौन सा है, एक के लिए A दूसरे के लिए B। तो आप देखो P से लेकर A तक जो लंबाई होगी वो पहली त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी और दूसरी आप सॉरी स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, PB। इसका मतलब PA और PB की लंबाई जो होगी हमेशा समान होगी, ठीक है। देखिएगा भाई प्रश्नमाला 13.1 का अपने को पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है और असत्य है, अपने को पता करना है, ठीक है। पहला प्रश्न बोला है, पहले का पहला बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। अब यहां ये जो परिभाषा दे रहा है वो किसकी दे रहा है, स्पर्श रेखा की। तो ये कहता है कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यानी इसका मतलब ये पहला वाला कथन क्या है,
असत्य है। और आपको अगर इसका कारण लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? छेदन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब कारण आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं, आप लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आप देखिएगा, दूसरा आपको बोला है कि एक स्पर्श रेखा एक्स वाई। अब देखो यहां ऐसे प्रश्नों को जब भी करना है तो आपको पहले इसका चित्र बना लेना है। एक वृत्त है, पहले आप उसका केंद्र बना लीजिए। एक स्पर्श रेखा कौन सी है? एक्स वाई। ओ केंद्र वाले वृत्त को भी पी बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। एक आपके पास क्या है? स्पर्श रेखा। उसका नाम क्या दे रखा है आपको? एक्स वाई। और वृत्त को कौन से बिंदु पर स्पर्श करती है? पी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर। और आपको बोला है कि क्यू स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। आपको ऐसे दिया है कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पर एक दूसरा बिंदु कौन सा है? क्यू। तो आप कहीं पर भी आप एक बिंदु क्यू ले लीजिए। तो आपको बोला है कि यदि ये बिंदु अगर यहां स्थित होता है तो क्या ओपी और ओक्यू बराबर होंगे? आपको बोला है क्या ओपी और ओक्यू की लंबाई बराबर होगी? तो देखो कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि अगर मैं इस बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाऊंगा तो त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या यानी क्या? एकदम ऐसे 90 डिग्री पर आ जाएगी। अब आप अगर देखो दूसरे अगर किसी भी बिंदु को मिलाने जाओगे तो फिक्स है कि वो, देखो ये वाला बिंदु तो वृत्त के ऊपर स्थित आएगा। सिर्फ इस पूरी रेखा पर एकमात्र एक ये बिंदु P ऐसा है जो कहां पर स्थित है? वृत्त के ऊपर। लेकिन बाकी जितने भी बिंदु लोगे वो वृत्त से बाहर आएंगे। इसका मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है? अलग। तो क्या OP की लंबाई और OQ की लंबाई बराबर होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है? असत्य। यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका कारण क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न यदि देखा जाए, तीसरे में बोला है कि वृत्त पर स्थित बिंदु पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखाएं एल एम और एक्स वाई खींची गई है। यदि पी क्यू व्यास है, देखो भाई आपको बोला है कि एक वृत्त है, अब इस पर दो बिंदु स्थित है। अब अपने वैसे देखो दो बिंदु को कैसे ले सकते हैं? एक बिंदु यहां ले लिया, दूसरा बिंदु यहां ले लिया। लेकिन क्या इन दोनों को मिलाने से अपने को, आपको बोला है कि पी क्यू क्या है? व्यास है। क्या ये व्यास बन रहा है? व्यास का मतलब ऐसी रेखा जो केंद्र से होके गुजरती है। व्यास का मतलब ऐसी रेखा जो कहां से होके गुजरती है? केंद्र से। यानी कि अगर ये मान लो भाई केंद्र है, अगर इनसे होकर कोई रेखा गुजर रही है तब ये जो बिंदु, ये आपको जो रेखा मिलेगी पी क्यू, ये क्या कहलाएगा? व्यास। अगर ये जो, अगर दो व्यास है और ये देखो भी व्यास के दो सिरे कौन कौन से हैं? पी और क्यू। अगर आप इस पर आप एक स्पर्श रेखा बनाओगे, आपने इस बिंदु पर क्या बनाई? एक स्पर्श रेखा। इसका नाम क्या दे रखा है प्रश्न में? एल एम। और दूसरे बिंदु कौन सा है? दूसरा क्यू बिंदु। अगर आप इस पर एक स्पर्श रेखा बनाओगे उसका नाम क्या दे रखा है? एक्स वाई। आपको बोला है कि यदि ये व्यास है तो क्या एल एम समांतर होगा एक्स वाई के? क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर मिलेगी? कैसे पता चला? तो देखो भाई कैसे पता चलेगा आपको, ये तो पता है ये सीधी रेखा है क्योंकि व्यास है। आपको पता है कि भले ये व्यास है लेकिन ये आधा भाग क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये भी त्रिज्या और इसके दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। आप देखो कि ये जो एक दूसरे के पास वाले कोण है, यदि इनका योग 180 डिग्री मिल जाता है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? तो क्या 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है? इसका मतलब इन दोनों के योग, भाई इन दोनों नजदीक वाले कोणों का योग 180 डिग्री है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा भाई अगला, चौथा। चौथे में बोला है कि एक वृत्त का केंद्र ओ दूसरे वृत्त के दूसरे वृत्त पर स्थित है। अब इसका चित्र भाई देखो ध्यान से बनाइएगा। आपको बोला है एक वृत्त का केंद्र ओ, देखो भाई किसी एक वृत्त का केंद्र ओ है वो दूसरे वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित है मतलब एक आपने वृत्त एक ऐसा बनाया कि इस पहले वाले वृत्त का केंद्र कहां पर स्थित है? दूसरे वाले वृत्त पर स्थित है। और मान लीजिए कि भाई दूसरे वाले वृत्त का, आपको क्या बोला है कि दूसरे वाले वृत्त का केंद्र क्या है? केंद्र ए है। प्रश्न में क्या दे रखा है? देखो आपको बोला जिसका केंद्र ए है, यानी दूसरे वाले वृत्त का केंद्र ए है। अब आपको बोला है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त बिंदु ए और बी से इस प्रकार गुजरता है। देखो ये जो ओ केंद्र वाला वृत्त है वो कौन कौन से बिंदु से गुजरता है? ए और बी से। अब यानी इसको अगर इस ओ केंद्र वाला व्रत, यानी ये वाला व्रत, इसको ए से गुजारना है मतलब इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया भाई, इसको ऐसे बड़ा बना दिया। मतलब ये व्रत कुछ इस प्रकार बनेगा आपके, ये कौन से बिंदु से होके गुजर रहा है? ए बिंदु से।
यानी इसका केंद्र इस दूसरे वाले व्रत पर है और इसका केंद्र इस वाले व्रत पर है। अब आपको बोला है कि यदि वो केंद्र वाला व्रत बिंदु ए और बी से इस प्रकार गुजरता है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। देखो भाई, इस प्रश्न को भी आप ध्यान से समझिए। आपको बोला है ए ओ और दूसरा बिंदु कौन सा लेना है, बी, और तीनों को मिलाने से जो रेखा बनेगी वो कैसी रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा प्रश्न में दिया है। यानी ओ केंद्र वाला व्रत आपके दो बिंदु ऐसे गुजरता है ए और बी से कि ए ओ बी सीधी रेखा है। अब आगे क्या करने को बोला है देखिएगा, आपको आगे बोला है कि बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, कौन से बिंदु से, बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं। आप अगर इस बी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचने जाओगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है, कैसे बनेगी स्पर्श रेखा, इस प्रकार बनेगी। और मान लीजिए ये वाला बिंदु पी है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू। तो आपको बोला है कि इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो दोनों व्रतों के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरती है। यानी ये जो स्पर्श रेखा बनेगी वो कहां से होके गुजरेगी, उस बिंदु से होके गुजरेगी जहां पर दोनों व्रतों ने एक दूसरे को काटा है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? अब ठीक है भाई, अपन कह देते हैं भाई ये सत्य है, लेकिन इसका कारण क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? तो देखिए, आपने देखा भाई, ये देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, यहां पर दोनों व्रत क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और अपना जो स्पर्श रेखा वो भी यहीं से जाएगी। लेकिन इसको कैसे सिद्ध करना है, तो आप देखिए, यदि मैं इस बी को पी से मिलाया, इस पी को मैं किससे मिला दूं, ए से। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि व्यास के द्वारा कभी भी कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, 90 डिग्री का। और तो अपन ने देखा कि भाई यहां फिक्स है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये तो हो गई स्पर्श रेखा, और ये वाली लाइन अब क्या बन जाएगी, आपके त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या। तो अब आपने देखा कि भाई ये त्रिज्या और एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलती है, और दोनों व्रत भी आपके क्या कर रहे हैं, इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों को जो जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है वहीं पर आपके क्या बनती है, ये स्पर्श रेखा बनती है। तो इस कथन को अपन क्या कह देंगे, ये क्या है, सत्य है। और इसको भले आप अगर रचना करके ऐसे बनाए, फिर भी अपने को दोनों एक ही जगह मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपके सत्य असत्य वाला हो गया। अब इसी के साथ में पहले अपन जो दूसरा प्रश्न है, इसका दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसी को भी अपन इसके साथ में कर लेते हैं। आपने अगर इन जितने भी बिंदु मैंने अभी प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले लिखवाए, अगर वो ध्यान होंगे तो ये सारे हो जाएंगे। देखो, एक व्रत पर स्थित एक बिंदु से खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक व्रत पर स्थित एक बिंदु से, अब आपको ध्यान देना है कि बिंदु कहां पर स्थित है, व्रत पर या व्रत के बाहर, व्रत पर। और अगर एक व्रत पर कोई बिंदु स्थित है तो वहां से आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, एक। अगर ये का ये बिंदु अगर बाहर होता तो कितनी बनती, दो। यानी इसमें आंसर क्या होगा, एक या दो, एक होगा, क्योंकि बिंदु कहां पर स्थित है, व्रत पर स्थित है, इसलिए प्रश्न को अपने को पहले ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए, व्रत को दो बिंदुओं में, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वेरी गुड। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, छेदन रेखा। तीसरा प्रश्न देखिए भाई, तीसरा बोला है, व्रत, एक व्रत की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक व्रत में ज्यादा से ज्यादा कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं, दो हो सकती है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर चौथा, चौथे में बोला है, व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अरे भाई व्रत और उभयनिष्ठ, सॉरी, व्रत और स्पर्श रेखा के मध्य जो कॉमन पॉइंट आता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, वेरी गुड, स्पर्श बिंदु। क्या स्पर्श रेखा, तो ये रेखा हो गई। अब इस रेखा और व्रत के बीच में कॉमन पॉइंट जो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। चलिए भाई, पहला दूसरा हो गया, ये आप लिखिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन। 13.1 का देखिएगा भाई, चौथा प्रश्न, किसी व्रत के, तीसरा अभी बाद में करेंगे, पहले चौथा करते हैं, ठीक है। किसी व्रत के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, सॉरी, लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो व्रत की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। देखो, ऐसे प्रश्नों को कभी भी करने के लिए क्या करना है, पहले आपको चित्र बनाना है, व्रत बनाओ, फिर क्या बनाओ, केंद्र। अब केंद्र बनाने के बाद में आपको बोला है कि देखो, इसकी आपके क्या दे रखा है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, आपको बोला है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, आपको एक बिंदु ऐसा लेना है जो कितने सेंटीमीटर दूरी पर होता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और मान लीजिए कि वो बिंदु कौन सा है, P। अब इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा,
आप पहले क्या करो, इस बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, यानी ऐसी रेखा जो किसी एक वृत्त को क्या करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और मान लीजिए कि वो वाला बिंदु कौन सा है, पी सॉरी ए है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको बोला है कि इस वृत्त की और उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, अपने को इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब समझिएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई यहां से लेकर फिर लास्ट तक लेके नहीं जाना है, स्पर्श रेखा की लंबाई जिस बिंदु से खींच रहे हैं वहां से लेकर कौन से बिंदु तक, कौन से बिंदु तक, स्पर्श बिंदु तक, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो भाई त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आपको OAP, आपको OAP कैसा त्रिभुज मिल जाएगा, अरे OAP कैसा त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, तो भाई आप क्या लिखोगे, पाइथो या पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार देखो भाई, आधार कोई भी 90 डिग्री के पास वाली किसी भी एक को आधार लेना है। अरे भाई त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी आर है। आधार का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब किसका, आर का स्क्वायर, और बराबर में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है, 10 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, फिर आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब आर स्क्वायर आपको निकालना है तो 16 कहाँ जाएगा, दूसरी ओर, तो 16 दूसरी ओर जाके माइनस हो जाएगा, और 100 में से जब 16 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, 84। अब आपको निकालना है भी आर का मान, तो भाई स्क्वायर हटाना पड़ेगा, मतलब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। यहाँ तो भाई रूट से स्क्वायर हट जाएगा यानी आर बन जाएगा, लेकिन 84 यानी 84 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2√21 होता है। वेरी गुड। अब कैसे आया तो वो भी देख लीजिए, आपको 2 के 84 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 42 बार, फिर 2 का 42 में कितनी बार जाएगा, 21 बार, फिर 21 में सीधा किसका जा रहा है, 3 का 7 बार, और 7 में 7 का जाता है 7 का कितनी बार, 1 बार। अब निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। कैसी संख्याओं का, एक जैसी, 2 और 2 एक जैसी है, इन दोनों का जोड़ा बन गया। क्या 3 के जैसी और कोई संख्या है, मतलब 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, क्या 7 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बनेगा। तो देखो भाई, जिसका जोड़ा बन जाए वो तो आएगा रूट से, और जिसका जोड़ा नहीं बने वो दोनों कहाँ आएंगे, रूट के अंदर, और दोनों का गुणा यानी 3 × 7 = 21, और आगे भाई क्या लगेगा, सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2√21 सेंटीमीटर। देखिए भाई, तीसरे प्रश्न में बोला है कि 2 संकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या है। देखो भाई, संकेंद्रीय व्रत कैसे होते हैं, संकेंद्रीय व्रत यानी ऐसे व्रत जिनके, ऐसे दो व्रत जिनके केंद्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं, यानी इसका केंद्र देखो, अंदर वाले का और बाहर वाले का दोनों का केंद्र क्या होता है, कॉमन एक ही केंद्र होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। और दोनों की आपको त्रिज्या ही दे रखी है। देखो भाई, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये आपको 2 त्रिज्याएं दे रखी है, एक की है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की है 3 सेंटीमीटर। अब बोला है कि बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े व्रत की मतलब बाहर वाले की कि अंदर वाले की, बाहर वाले की, बाहर वाले की उस जीवा की लंबाई, जीवा मतलब आपके कोई भी 2 बिंदुओं से ऐसे गुजरती, वो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे व्रत को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी एक रेखा ऐसी खींचनी है जो बड़े वाले व्रत के लिए तो क्या हो, बड़े वाले व्रत के लिए क्या हो भाई, जीवा, और छोटे वाले व्रत को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। चलिए भाई, ये आपके वो जीवा हो जाएगी। यानी आपको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब चलो भाई, बात करते हैं कि ये जो ए बी है वो बड़े वाले व्रत के लिए जीवा है और छोटे वाले व्रत को स्पर्श करती है, मतलब स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। अब देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक मिलाया, अब मेरे को ये क्या मिल रही है, त्रिज्या मिल रही है, और कौन से व्रत की, छोटे व्रत की छोटी त्रिज्या के बड़ी त्रिज्या,
छोटी त्रिज्या मतलब कितनी भाई ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसको तो भाई काम में ले लिया। अब देखो भाई, अब बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है, बड़े वाले वृत्त पर बिंदु ये है, मतलब इसको इससे मिलाऊंगा तो ये कौन सी त्रिज्या मिल जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। अब आप देखिएगा, आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि केंद्र से जीवा पर, देखो वैसे ये जीवा भी है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, यानी इसकी लंबाई जितनी आएगी उसका दुगना कर देंगे तो पूरी मिल जाएगी। तो इसकी लंबाई निकालनी है, मतलब इस वाले त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए भाई देखिएगा, त्रिभुज ओपीबी, त्रिभुज ओपीबी में आप कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब आधार का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो आधार का स्क्वायर वगैरह नहीं लिखते हैं, आधार मतलब कौन सी भुजा, पीबी का स्क्वायर प्लस कौन सी भुजा का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। देखो पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, और बराबर में क्या होगा, कौन होगा भाई, ओबी का स्क्वायर। पीबी कितना है, पीबी कितना है अपने को पता नहीं, पीबी कितना है अपने को पता नहीं है। ओपी कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर, और बराबर में ओबी, ओबी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। देखिए भाई पीबी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये 9 जब दूसरी ओर जाएगा तो 25 में से क्या हो जाएगा, माइनस, और 25 में से जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है, और ये तो पीबी स्क्वायर है भाई, स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाएंगे, तो पीबी बराबर कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर आपको मिला है यहां से लेकर यहां तक, क्या आप भाई 4 सेंटीमीटर अपना आंसर है, नहीं। ये जो आपको तो निकालनी कौन सी, जीवा ए बी, आपको क्या निकालनी है, जीवा ए बी। और चूंकि अपने को पता है कि जो जीवा ए बी है वो किसकी दुगुनी है, पीबी की, और पीबी कितना है, पीबी कितना है 8, मतलब जीवा ए बी कितनी मिल जाएगी आपको, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी।